हाय एवरीवन, आज हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट लार्ज नंबर्स का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आज कि इसका डाउट बिल्कुल खत्म कर दें। ध्यान से सुनना है आपने। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इस नंबर में 390625 में पेयर बनाएंगे पीछे से। तो ये पेयर बन गया 25 का, यानी दो डिजिट का एक पेयर बना, फिर दो डिजिट का एक पेयर बना, और ये दो डिजिट यहाँ रह गई तो एक पेयर बन गया। अगर यहाँ एक डिजिट रह जाती तो हम एक ही का, एक डिजिट का ही पेयर मान लेते। उसका भी मैं बताऊंगा, बहुत सारे आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ध्यान से सुनना है। अब क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग वाला पेयर है इसमें आपने ये देखना है 39 में कि बेटा ये किस स्क्वायर नंबर के बीच में आएगा। तो 39 किसके बीच में आएगा, 6 का स्क्वायर। शब्दों को ध्यान से सुनना है, किस स्क्वायर नंबर के बीच में आएगा, तो ये स्क्वायर नंबर है और 7 का स्क्वायर। अरे देखो ना, 6 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे 36, 7 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे 49, यानी 36 49 के बीच में तो 39 आता है। तो पहले वाले नंबर से हम इसको यहाँ पर चलाएंगे, यानी 6 यहाँ भरेंगे और 6 यहाँ भरेंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहाँ लिखेंगे वो मुझे यहाँ लिखना होगा। तो 6 6 36 हो गया जी, बहुत सुंदर बात। यहाँ से माइनस करेंगे 3 आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, हमेशा यूनिट प्लेस का डबल करेंगे। तो यूनिट प्लेस कितनी है यहाँ, 6, 6 का डबल कितना होता है 12, और हमेशा यहाँ डैश लगाएंगे, ठीक, और नेक्स्ट पेयर को डाउन लेके आएंगे। अब यहाँ पर जो मैं बोलूँगा ध्यान से सुनना है, मैं इस 12 में ऐसी यहाँ क्या वैल्यू डालूं, भरूं कि 306 को ख़त्म कर दूं या इसके आसपास पहुंच जाऊं। तो इसका आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा कि ये जो 12 है और ये जो 30 है, यानी 12 के टेबल में कहीं ना कहीं 12 2 24 होता है, क्योंकि 3 से जाऊंगा तो 36 हो जाएगा। तो यहां 2 डालूंगा मैं तो 2 मुझको यहां भी लिखना पड़ेगा, जैसे 6 यहां भरा था 6 यहां, जो यहां लिखूंगा वो यहां लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 2 में 4 हुआ, और 2 की 2 में 4 हुआ, और 2 की 1 में 2 हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। अब करूँगा मैं माइनस, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 10 में से 4 गया 6। ये मेरे पास एक तरीके से रिमाइंडर आ गया। फिर से वही स्टेप करूँगा जो पीछे बताए थे, यूनिट प्लेस का डबल करूँगा, 2 का डबल 4, और ये नंबर 21 ऐसे लिखूँगा, फिर से डैश लगाऊंगा, सब में यही करना है, और नेक्स्ट पेयर लेके आऊँगा, चाहे कोई सा भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ जाए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अब फिर से मैं ये देखूंगा कि 1 2 4 में ऐसी मैं यहाँ किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ तो ये नंबर पूरा खत्म हो जाए, इसके आसपास पहुंच जाऊं। तो मेरे को यहाँ कैसे पता चल रहा है, देखो ये 12 है और ये 62 है, 12 5 जा 60 नियर अबाउट जा रहा हूँ, तो 5 यहाँ मैं भरता हूँ, फिल करता हूँ, और 5 मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो 5 की 5 में करूँगा 25, 2 कैरी का 5 की 4 में करूँगा 20, और 2 22, 2 कैरी का 5 की 12 में करूँगा तो 60 आएगा और 62, यानी ये नंबर पूरा मेरा वैनिश हो चुका, ख़त्म हो चुका। यानी मैं कह सकता हूँ कि भैया सर, स्क्वायर रूट जो आएगा 390625, स्क्वायर रूट जो इसका आएगा लास्ट में कह देंगे 10 THUS, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आया 625, ठीक है, समझ में आया। तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम शेयर करना, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट स्क्वायर रूट में मिलते हैं, टेक केयर यू सर।